हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ Redmi 9 Prime डिवाइस के बारे में और इसके MIUI 13 प्लस Android 12 के अपडेट के बारे में। क्या आपको इंडिया में फ्यूचर में Redmi 9 Prime डिवाइस के अंदर Android 12 प्लस MIUI 13 का जो अपडेट है ना, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। आप लोगों को अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, वो यहाँ पर कौन सी डेट को मिलेगा इसकी कन्फर्म डेट है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना। अगर आप लोग इंडिया में Redmi 9 Prime डिवाइस यहाँ पर यूज करते हो और वीडियो को अभी तक यहाँ पर लाइक नहीं किया है, सो आप लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो बहुत ही छोटा है, 100 लाइक का वीडियो टारगेट है, इसको जल्दी से आप लोग यहाँ पर कंप्लीट कर देना। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हो तो इसको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे ही अपडेट यहाँ पर रिलीज होगा उसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर वीडियो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। अब गाइस, मैं आप लोगों से बात करूं Android 12 के अपडेट के बारे में प्लस MIUI 13 के अपडेट के बारे में। Redmi 9 Prime जो डिवाइस है क्या यहाँ पर इलिजिबल है, इनके अंदर आपको दोनों अपडेट ना वो यहाँ पर देखने को मिलेगा या फिर नहीं। MIUI 13 का जो अपडेट है उसके लिए तो Redmi 9 Prime जो डिवाइस है वो यहाँ पर इलिजिबल हो चुका है। इसके अंदर आपको कन्फर्मली MIUI 13 का अपडेट है वो यहाँ पर फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर Android 12 का अपडेट है उसके लिए अभी तक भी Redmi 9 Prime जो डिवाइस है वो यहाँ पर इलिजिबल नहीं हुआ है। Redmi की एक अपडेट पॉलिसी है कि Redmi का कोई भी जो डिवाइस है उसके अंदर आपको ओनली वन OS अपडेट है ना वो यहाँ पर देखने को मिलता है, ओनली वन Android का जो अपडेट है ना वो यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि आपको Android 11 का अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल चुका है Redmi 9 Prime डिवाइस के अंदर। सो अब आप लोगों को पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है कि Redmi 9 Prime जो डिवाइस है उसके अंदर आपको फ्यूचर में Android 12 का अपडेट है ना वो यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए खास बात यह है कि Android 12 का अपडेट है ना वो तो देखने को नहीं मिलेगा और उसके अंदर आपको कुछ फीचर है ना वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर MIUI 13 का जो अपडेट है वो आप लोगों को कन्फर्मली देखने को मिल जाएगा Redmi 9 Prime डिवाइस के अंदर। और इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे भर के यहाँ पर फीचर है ना जो कि यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे MIUI 13 के अपडेट के अंदर। और यहाँ पर 28 दिसंबर को Xiaomi की तरफ से MIUI 13 का जो अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज करा दिए गए और Redmi 9 Prime जो डिवाइस है वो भी यहाँ पर इलिजिबल हो चुका है, उसके अंदर भी आप लोगों को कन्फर्मली MIUI 13 का अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। अब गाइस, मैं आप लोगों से बात करूं एक कन्फर्म डेट के बारे में, कब तक आप लोगों को जो अपडेट है ना वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है Redmi 9 Prime डिवाइस के अंदर। आप लोगों को यहाँ पर वेट कर लेना है सेकेंड क्वार्टर का, क्योंकि यहाँ पर पहले जो अपडेट है ना वो Xiaomi के जितने भी जो नए डिवाइस है या फिर जो फ्लेक्सिबल डिवाइस है, महंगे महंगे डिवाइस है, उनके अंदर आपको अपडेट मिलेगा। और उसके बाद में आप लोगों को जो सेकेंड राउंड है उसके अंदर अपडेट है वो Redmi 9 Prime जो डिवाइस है उसके अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्वार्टर टू 2022 का जो मंथ है अप्रैल और मई, ये जो दो मंथ है इनके अंदर आप लोगों को जो अपडेट है ना वो कभी भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है Redmi 9 Prime डिवाइस के अंदर, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है अप्रैल मंथ की। आप लोग यहाँ पर वेट कर सकते हो अप्रैल मंथ का, उसके अंदर आप लोगों को कन्फर्मली Redmi 9 Prime जो डिवाइस है उसके अंदर MIUI 13 का अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और फ्यूचर में अगर Xiaomi की तरफ से Android 12 अपडेट के रिगार्डिंग Redmi 9 Prime डिवाइस के लिए कोई न्यूज आएगी तो उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। आप लोगों को यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। और वीडियो अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना। और यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम का चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना, उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।